सो गाइज, अब हम लोग बनाएंगे आज रेस्टोरेंट स्टाइल में दाल फ्राई। बेसिकली ये दाल है, इसमें हमने हल्का सा नमक डाल के इसको तैयार कर लिया, यानी फ्राई कर लिया, इस तरह से आप देख रहे हो, उबाल लिया है दाल को, तैयार कर लिया है। उसके बाद हमें चाहिए क्या, आपको बताता चलो कि हमारे पास कटा हुआ धनिया है, ये आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना है। तेज पत्ता यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जीरा है, हल्दी है, मसाले हैं, गर्म मसाले हैं, धनिया पाउडर है, चॉप किया हुआ प्याज है, चॉप किया हुआ टमाटर है, और हमने पैन चढ़ा लिया है यहाँ पर आप देख पा रहे हो। अब इसमें हमने जो है तेल को डाल दिया है दाल फ्राई करने के लिए। बेसिकली बहुत ही इजी वे में आपको बता रहे हैं, बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे आप इस चीज़ को। तो आपको बेसिकली मैंने बताना है, यहाँ पर थोड़ा सा भूल गया, ये देखिए कटा हुआ मिर्चा भी है हमारे पास, तो मिर्चा भी आपको ले लेना है। तो सबसे पहले पैन पे आपको ऐड करना है जीरा, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हल्का जीरा ऐड करिए, तेज पत्ता ऐड करिए, थोड़ा सा उसके ऊपर का तोड़ लीजिएगा, उसके बाद उसको ऐड कर लीजिए इस तरह से। अब आप मिर्चा ऐड करिए, उसके बाद आपके पास अगर लहसुन है कटा हुआ, हमने हमारे पास चूंकि पत्ती है तो हम उसको डाल दिए, अगर आपके पास ना हो तो सिर्फ लहसुन भी यूज कर सकते हैं आप। ये हमने डाल दिया, फ्राई करेंगे इसको थोड़ा सा। अब ऐड करेंगे हम लोग प्याज, फ्राई करेंगे थोड़ा। हम लोग ऐड करेंगे अब टमाटर जो हमने चॉप कर रखा है पहले से, थोड़ी देर इसको पकने देंगे। फिर हमने ऐड करना है हल्दी पाउडर, ऐड करना है हमें धनिया पाउडर, एक से दो चम्मच आप इसमें ऐड कर सकते हो। फिर गरम मसाला एक स्पून, हाफ स्पून आप इसमें ऐड कर लीजिए। इस तरह से इसको मिक्स करते रहना है। सो अब इसको हमको अच्छे से पैक पकाने के लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा दाल ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। ये देखिए, सो ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं धनिया की पत्ती, इस तरह से आपको ऐड कर लेना, पहले ही ऐड कर सकते हैं। पहले ऐड करने से क्या होगा कि धनिया का जो स्वाद रहेगा वो काफी निखर के आ जाएगा, इस तरह से आपने ऐड कर लेना है। अब ये जो है हमारा जो है जिसमें हम फ्राई करना है दाल के लिए, वो तैयार हो चुका है। अब हम लोग ऐड करेंगे इसमें दाल को, कुछ इस तरह से आप लेना है दाल को। तो इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये ऑलमोस्ट आपका दाल फ्राई जो है वो तैयार हो चुका है। अब आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, जिसके भी साथ चाहे सर्व कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये देखिए काफी अच्छा टेस्ट है और काफी सोना सोना सा ही लग रहा है। आशा करते हैं आपको ये दाल फ्राई पसंद आया होगा। राय कमेंट में दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।